friends, I'm your teacher Shephali ma'am from Kants junior secondary school and this video is course video for class first. ये हमारा जो video है वो course video है. Class first के लिए आपका subject है हिंदी. First lesson one, आपका chapter name is अमात्रिक शब्द. Okay? हम सबसे पहले इस पूरे chapter में अमात्रिक शब्द को परिभाषित करेंगे कि अमात्रिक शब्द होता क्या है. अमात्रिक शब्द तो अमात्रिक शब्द वो होता है जिन शब्दों पर मात्रा का उपयोग ना हो उन्हें हम अमात्रिक शब्द कहते हैं. जैसे कि देखिए बच्चों, आपके इन हुई जो परिभाषित किए हैं उसी में आपको अमात्रिक शब्द और दूसरे शब्द दिखाई देंगे. जैसे कि इस पे मात्रा लगा हुआ है तो ये हमारा अमात्रिक शब्द नहीं है, पर हम पे जो है कोई मात्रा नहीं लगा है वो हमारा अमात्रिक शब्द हो जाएगा. उदाहरण में भी हम दिए हैं, उदाहरण हमारा क्या है, ब प्लस न बराबर बन, ये हमारा अमात्रिक शब्द है. दो वर्णों से मिलकर जो शब्द बन रहे हैं वो हमारे अमात्रिक शब्द हो गया. तीन अक्षरों से जो मिलकर बन रहे हैं वो भी हमारे अमात्रिक हो गए. चार से जो बन रहे हैं वो भी हमारे अमात्रिक हो गए. तो पहला हम बताए हैं वन, दूसरा हो जाएगा म प्लस ह प्लस ल बराबर महल, तीसरा अ प्लस ज प्लस ग प्लस र बराबर अजगर. समझ में आया बच्चों कि अमात्रिक शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों पे मात्रा का उपयोग ना हो उन्हें हम अमात्रिक शब्द कहते हैं. अब आते हैं हम करोगे ये अभी तक हम बताया आपको कि अजगर, ठीक है, दो तीन चार शब्दों वाले हमारे अमात्रिक शब्द हो गए. अब एग्जाम्पल में यहाँ पे बहुत ढेर सारे मैंने लिखे हैं. देखिए, नल नल, अब घर मत जल कल, ये भी हमारे अमात्रिक शब्द कहलाते हैं. नयन गगन पवन भवन सफल मगन, ये भी हमारे अमात्रिक शब्द हो गए. तीन अक्षर के हैं फिर भी ये चार अक्षर के. हल चल हलचल झटपट खटपट अनबन गर्दन उपवन, ये हमारे सारे जो है बिने मात्रा के शब्द हैं जिसमें कोई भी मात्रा छोटी बड़ी बड़ा हो छोटा हो ओ ऐ किसी भी चीज़ की मात्रा इन सब पे नहीं दिख रही है, ये हमारे अमात्रिक शब्द हो गए. तो बहुत ही सरल भाषा में हो गया कि जिन शब्दों में मात्रा का यूज ना हो वो हमारे अमात्रिक शब्द कहलाते हैं. बच्चों आपको ये आपका चैप्टर वन का कोर्स वीडियो था, यहाँ तक समझ में आया. अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे. थैंक यू.